अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ्स. स्टूडेंट्स, आई हैव जस्ट सीन योर वर्क. यू गाइज आर रियली डूइंग अमेजिंग, कीप इट अप. वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ सोशल स्टडीज. एज यू ऑल नो दैट इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डन द कॉपी वर्क ऑफ लेसन नंबर 1 प्लस ऑल्सो स्टार्टेड द लेसन नंबर 2, आवर कंट्री. इन टूडेज क्लास we will do the overview of lesson number 1, like we will briefly explain the all points of lesson number 1, plus worksheet of lesson number 1 will also be done, and also from lesson number 2 the map will also be explained in detail, map on page number 8. Okay, so let's start. Okay students, here I have written the some points which we have studied in this chapter, in this lesson. Shape of the earth, orbit, equator, hemisphere, cardinal directions and intermediate directions. As you can see that here I have drawn the globe. What is globe? Basically it is a spherical model of earth. हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप क्या है. वी कॉल दिस शेप, यूजली वी कॉल अर्थ की शेप ए राउंड शेप. इट इज जस्ट लाइक अ ह्यूज बॉल, बट इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम द टॉप एंड एट द बॉटम. So that's why the shape of the earth is known as sphere. What is the shape of earth called? Yes, it is called sphere. Okay, the next point is orbit. Okay, orbit kya hota hai? Agar hum dekhe earth sun ke around apna pura ek path complete karta hai, to earth ka jo path hai, matlab earth ka jo rasta hai sun ke around, wo kehlata hai uska orbit. Sun ke around earth jo move karta hai apne path mein, वो पाथ हमारा कहलाता है ऑर्बिट. द नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वेटर. इक्वेटर क्या होता है? बेसिकली हम देखते हैं कि अर्थ के सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की होती है. इक्वेटर इज बेसिकली इमेजिनरी लाइन गोज डाउन मिडल ऑफ द अर्थ. ये बेसिकली अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो क्या कहलाते हैं? हेमिस्फेयर्स. द अपर पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फेयर. एज यू कैन सी बेसिकली हेमी मीन्स हाफ. सो अर्थ को इसने क्या कर दिया? इक्वेटर ने हाफ कर दिया, डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में. अपर पार्ट हमारा कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और लोअर पार्ट साउदर्न हेमिस्फेयर. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये फोर डायरेक्शन हैं, बट वी डोंट नो इन डायरेक्शन. ओवरऑल हम बात करें क्या कहलाती हैं. येस, दे आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन. कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं हमारी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस. यस, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. बेसिकली आपने देखा होगा कार्डिनल डायरेक्शंस के दरमियान में भी कुछ डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट. जी हाँ, ये डायरेक्शंस कहलाते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन, जो कि कार्डिनल डायरेक्शंस के दरमियान में होती हैं. जस्ट लाइक नॉर्थ और वेस्ट है हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस. अब इस डायरेक्शन के बीच में भी एक डायरेक्शन है जो कि ना तो कम्प्लीटली नॉर्थ है ना ही कम्प्लीटली वेस्ट है, वो सेंटर में आती है, तो हमारी क्या कहलाएगी? नॉर्थ वेस्ट. इसी तरह नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो डायरेक्शन होगी वो कहलाती है नॉर्थ ईस्ट, और साउथ और ईस्ट के दरमियान क्या कहलाएगी? साउथ ईस्ट. एंड इसी तरह साउथ और वेस्ट के दरमियान क्या कहलाएगी? साउथ वेस्ट. ये डायरेक्शन जो बिटवीन कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, जस्ट लाइक नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये कहलाती हैं हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोटेशन, रेवोल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट. होपफुली इस टॉपिक से आपको वो एक्टिविटी याद आ गई होगी जो मैंने एक बॉल और मोबाइल टॉर्च से आपको दिखाई थी. ओके लेट्स सी, रोटेशन क्या है? बेसिकली अर्थ दो तरह से मूव करते हैं. एक अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और सेकेंडली अर्थ की मूवमेंट किस तरह से होती है? अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द अर्थ मूव करते हैं. जब अर्थ अपने एक्सिस के दौरान मूव कर रहा होता है तो वो हमारी कहलाती है रोटेशन. और अर्थ कितने टाइम में एक रोटेशन कम्प्लीट करते हैं? इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन. और यस, अर्थ जब सन के अराउंड मूव करते हैं अपने पाथ में, एक ऑर्बिट में,
ये क्या हो गया, सन का अर्थ का ऑर्बिट हो गया सन के अराउंड, तो ये कहलाते हैं रेवोल्यूशन, मतलब अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो ये उसकी मूवमेंट कहलाएगी रेवोल्यूशन। अर्थ को कितना टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में? यस, इट टेक्स अराउंड 1 ईयर और 365 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट। स्टूडेंट्स, बेसिकली अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है अपने एक्सिस में 20, इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। अब ऐसा है कि अर्थ का जो साइड सन को फेस कर रही होगी उस साइड पे, उस मतलब अगर ये वाली साइड हमारी सन को फेस कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, डे टाइम। बैक साइड पे सनरेज नहीं पड़ रही, तो वहाँ बैक साइड पे क्या होगा, नाइट। जस्ट लाइक अगर हम देखें, चार। जस्ट लाइक अगर हम देखें, चार। स्टूडेंट्स कभी आपने नोटिस किया है कि आप फॉर सपोज हम पाकिस्तान में बैठे हो अपने किसी रिलेटिव्स को, न्यूयॉर्क में हम अमेरिका में कॉल करते हैं, तो हमारा टाइम टोटली ऑपोजिट होता है। जस्ट अगर यहाँ पे मॉर्निंग 9 o'clock है, तो वहाँ अगर आप कॉल करेंगे तो वहाँ नाइट उधर रात के 9 बज रहे होंगे। तो ऐसा क्यों है, कभी सोचा आपने? बिकॉज पाकिस्तान एंड अमेरिका टोटली इन दी ऑपोजिट डायरेक्शंस। फॉर सपोज अगर हम अर्थ की ये वाली साइड सन को फेस कर रही है और यहाँ पे है पाकिस्तान, तो क्या होगा, पाकिस्तान में डे टाइम होगा और अमेरिका में नाइट टाइम होगा। इसी तरह जब अर्थ रोटेट करके ये वाली साइड फ्रंट पे आएगी, तो क्या होगा, अमेरिका में डे टाइम होगा और इसी तरह से हमारे पाकिस्तान में नाइट टाइम होगा। सो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को उस एक्टिविटी से भी क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये तो था इस चैप्टर का ओवरव्यू। हमने सब पॉइंट्स को ब्रीफली डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डू दी वर्कशीट। ओके, लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, टेक आउट योर वर्कशीट्स एंड राइट डेट एंड डे एट द टॉप ऑफ द पेज। दिस इज द वर्कशीट ऑफ लेसन नंबर 1, द अर्थ इन स्पेस। ओके, एक्टिविटी नंबर 1 इज फाइंड आउट द डेट वन मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून। वट वॉज द नेम ऑफ द स्पेस क्राफ्ट दैट कैरिड द एस्ट्रोनॉट्स। वट वर द नेम्स ऑफ मैन हु वॉक्ड ऑन द मून। फाइंड आउट द नेम ऑफ थर्ड एस्ट्रोनॉट। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के बेसिकली है 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज फाइंड आउट द डेट वन मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून। आपने वो डेट बतानी है जब चांद पे पहला कदम रखा गया था किसी शख्स ने। एज वी ऑल नो दैट चांद पे पहला कदम किसने रखा था, कौन था पहला शख्स जो चांद पे पहुंचा था? यस, ही वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा वह डेट क्या थी जब मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून। सो इट वॉज 20th July 1969। हाउ विल यू राइट इट? यू विल राइट इट ऑन 20th July 1969 मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून। हाउ विल यू राइट? यस, you will write on 20th July 1969 man first landed on the moon। हम हाफ पार्ट क्वेश्चन में से लेते हैं, बाकी हम आंसर। नेक्स्ट है, वट वॉज द नेम ऑफ द स्पेस क्राफ्ट दैट कैरेड द एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं जो स्पेस में जाते हैं? वो पूछ रहे हैं स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था, स्पेस शिप जो थी उसका क्या नाम था जो एस्ट्रोनॉट्स को लेके पहली दफ़ा चांद पे गई थी। वट वर द नेम्स ऑफ मैन हु वॉक्ड ऑन द मून, उन आदमियों के नाम क्या थे जो चांद पे गए थे। फाइंड आउट द नेम ऑफ थर्ड एस्ट्रोनॉट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप लिखेंगे। द नेक्स्ट 3 पार्ट्स यू हैव टू डू एट योर होमवर्क। दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। फर्स्ट पार्ट इज डन बाय मी। यू हैव टू डू द नेक्स्ट 3 पार्ट्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्टिविटी इज मेक अ मैप ऑफ योर क्लासरूम, मेक श्योर इट इज़ अ की, अ स्केल एंड अ डायरेक्शन। आपने क्या करना है, अपनी क्लासरूम का एक मैप ड्रॉ करना है। अब की मैंने आपको बताया था, की क्या होती है, की बेसिकली सिंबल्स होते हैं जो उन चीज़ों को इंडिकेट कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे सेंटर में टेबल बनाई है, तो अब यहाँ से नहीं पता चलेगा कि टेबल है या क्या है, तो मैंने की में उसको बना टेबल ड्रॉ करके साइड पे लिख दिया कि टेबल है। अब जहाँ जहाँ इस तरह का सिंबल ड्रॉ होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये टेबल है। और स्केल क्या होता है,
स्केल बेसिकली मेयरमेंट होती है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, कि मेरे इस मैप पे जो मैंने ड्रॉ किया है इसमें 1 सेंटीमीटर से मुराद क्लास का 1 मीटर लेंथ है। 1 मीटर अराउंड एक टेबल जितनी लेंथ होती है। और डायरेक्शंस भी मैंने मेंशन की हैं, डायरेक्शंस आप देख सकते हैं, नॉर्थ अपवर्ड, नॉर्थ डाउनवर्ड, साउथ, राइट साइड पे अगर देखें ईस्ट, एंड ऑन द लेफ्ट इट इज़ वेस्ट। सो स्टूडेंट्स बेसिकली एक मैंने आपको आइडिया देने के लिए ग्राफ सा मैप ड्रॉ किया है। यू हैव टू ड्रॉ, यू डोंट हैव टू कॉपी दिस मैप। आपको अपने क्लासरूम के अकॉर्डिंग, आपकी जो भी पहली क्लासरूम थी, आपका उसके आपके माइंड में उसका एक इमेज होगा, आपने उसको ड्रॉ करने के क्लासरूम के एंट्रेंस पे क्या था, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया, ये डोर है क्लास का एंट्रो, तो यहाँ पे एक टेबल है टीचर की, यहाँ पे कबर्ड है, बुक शेल्फ जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पे हमारी डेस्क हैं, साथ चेयर्स हैं, और एट द बैक देयर आर द विंडोज़। सो यहाँ पे मैंने उनके कीज़ भी ड्रॉ कर दी, ताकि फर्स्ट किए कि ड्रॉ, ये मेरा डोर है, ये टेबल है, चेयर है, कबर्ड है, चॉक भी पड़े हुए हमारे टेबल पे, डस्टर भी है, और यहाँ पे विंडो भी है। सो यू जस्ट हैव टू टेक एन आइडिया फ्रॉम दिस मैप एंड यू हैव टू डू बोथ दिस एक्टिविटीज़ इन योर होमवर्क। होपफुल इट इज़ क्लियर। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट द ओवरव्यू एंड वर्कशीट ऑफ चैप्टर लेसन नंबर 1। नाउ वी विल डू, नाउ आई विल एक्सप्लेन द मैप विच इज़ इन द लेसन नंबर 2 पेज नंबर 8। विल एक्सप्लेन द मैप इन डिटेल। ओके लेट्स बिगिन। In this video, I will explain you in more detail how Pakistan is in the southern part of the continent of Asia, and also about the neighboring countries, and also about the direction of neighboring countries. So for understanding how Pakistan is in the southern part of the continent of Asia, you have to open the page number 5 of your book. As you can see that here is a map of continents and oceans. The colored part, the orange part is showing the continents and the blue part is showing the oceans. Yes, so here is the map of the Asia. I have indicated, also mentioned the directions north and south of the Asian continent. So students, as you have read that Pakistan is in the southern part of the continent of Asia. Southern part means here Pakistan. So hamara south is Pakistan kahan pe hai? एशिया के साउदर्न पार्ट में। जी ये है हमारी साउथ डायरेक्शन, और पाकिस्तान यहाँ पे सिचुएट करता है, पाकिस्तान यहाँ पे है एशिया के, पाकिस्तान एशिया के साउदर्न पार्ट में है। सो पाकिस्तान यहाँ पे, और पाकिस्तान के बिल्कुल यहाँ पे क्या है हमारी अरेबियन सी, पाकिस्तान के साउदर्न पार्ट में है हमारी अरेबियन सी। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, दिस इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड इट इज़ इन नॉर्दर्न डायरेक्शन, साउदर्न डायरेक्शन। एज यू हैव रेड दैट Pakistan is in the southern part of the continent of Asia. So this is the southern portion. So Pakistan Asia ke yahan pe south mein situate karta hai, yahan pe Pakistan lie karta hai, aur Pakistan ke south mein kya hai, Arabian Sea. Hopefully it is clear. Now comes to the page number 8. With the help of this map I will explain you how neighboring countries are in these directions. As it is said that we share borders, we share means Pakistan share borders with Iran in the east, west, Iran in the west. Okay, I have mentioned directions here, north, south and west. So it is said that Iran in the west. So let's have a look. Yes, Iran is in the west of Pakistan. Here is a Pakistani map and it is a west direction. So Iran is in the west of Pakistan. And the next, Afghanistan in the northwest. Northwest, intermediate direction between the cardinal direction. Northwest. It is a north direction, it is a west. And Afghanistan is between both. So, hum kya kahenge, Afghanistan kis direction mein? It is a northwest. Na to wo north mein aata complete, na hi west mein. वो नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में आता है। सो वी विल से अफगानिस्तान इज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान। ओके नेक्स्ट, चाइना इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके सो एज यू कैन सी दैट इट इज अ नॉर्थ डायरेक्शन एंड हियर आई हैव रिटन द ईस्ट डायरेक्शन। एंड चाइना कहाँ पे है? चाइना ना तो कम्प्लीटली नॉर्थ में है और ना ही ईस्ट में है। चाइना इज इन बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट। चाइना क्या है? नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में है।
So we will say China is in the northeast direction of Pakistan and the next India in the east. As you can see, north, south, east and west. Here east. So India किस direction में आ रहा है? हमारे east में. So hopefully आपको clear हो गया होगा. So hopefully इस video से आपको clear हो गया होगा कि किस तरह किस direction में कौन सी neighboring country है. Just like हमने क्या किया? ईरान कौन से में? West में. You can see here is the west direction and Iran is in the west. And the next Afghanistan is in the northwest. So you can see Afghanistan is in between the north and west. Na to completely north mein hai, na wo completely west mein. So we will say Afghanistan is in the northwest direction of Pakistan. Pakistan ke northwest mein aati hai. Next, China is in the northeast. As I've already told, China is between the east and ना तो चाइना कम्प्लीटली नॉर्थ में है ना ही कम्प्लीटली ईस्ट में. इट इज़ इन बिटवीन बोथ दीज डायरेक्शंस. एज हेयर यू कैन सी चाइना इज इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज इंडिया इज इन द ईस्ट. हेयर यू कैन सी इट्स द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया इज इन द ईस्ट. टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज द अरेबियन सी. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विद द हेल्प ऑफ दिस मैप दैट. सो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. Here it is a map of Asia. This is a northern direction, southern direction. Pakistan हमारे किस direction में है? Asian map की. So Pakistan कौन से direction में? Asia के southern part में Pakistan है. और Pakistan के ये तो हो गया Asia का southern part. यहाँ पे हो गया Pakistan हमारा. अब Pakistan के southern part में देखिए, for suppose ये Pakistan का map है. अब Pakistan का ये हो गया north, south, east and west. अब पाकिस्तान के साउथर्न पार्ट में क्या? यस, इट इज़ अरेबियन सी. बहेरा अरब पाकिस्तान के साउथर्न पार्ट में. होपफुली विद द हेल्प ऑफ दीज टू मैप्स इट इज़ क्लियर्ड हाउ पाकिस्तान इज़ इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड हाउ द नेबरिंग कंट्रीज आर इन दीज डायरेक्शंस. इफ यू हैव स्टिल एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क. थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. होपफुली आप लोगों को मैप क्लियरली समझ आ गया होगा. योर डायरी इज़ यू हैव टू डू द वर्कशीट ऑफ लेसन नंबर वन एट होम विच यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास. सो स्टूडेंट्स, हेयर आई हैव अटैच्ड एन एनिमेटेड वीडियो थ्रू विच यू विल लर्न अबाउट द डायरेक्शन ऑफ नेबरिंग कंट्रीज. एंड आई होप एंड आई एम श्योर दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नेवर गोना फॉरगेट इन विच डायरेक्शन आर नेबरिंग कंट्रीज आर. सो एन्जॉय द वीडियो. Till then, take care. Love, peace.